हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी में जो एमपी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर के गई है, उसका असर जो है अब बाकी के केसेस पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद से बहुत सारी चीजें क्लियर हुई और बीएड अभ्यर्थी जो ऑलरेडी जो है ज्वाइन किए हुए हैं 1-5 में, उन लोगों के लिए एक राहत दिखती हुई नजर आ रही थी। उसको लेकर के एक और केस पर असर हुआ है, उस पर हम बात करेंगे और किस तरह से पहले वाले जो बीएड अभ्यर्थी है, जो बीएड कैंडिडेट है, वो सेव है, उनके बारे में भी बात करेंगे, किस तरह से उनको सेव किया जा रहा है और ये सारी चीजें आपको बीएड वर्सेस बीटीसी में अब देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे जब भी कोई अपडेट बीएड वर्सेस बीटीसी के बारे में दिया जाए, इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो इम्पोर्टेंट मामला है, जिसकी सुनवाई 1 अप्रैल को होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी सुनवाई में जो सुनवाई हुई थी लास्ट, जो प्रीवियस सुनवाई थी, उस हियरिंग में ये क्लियर हो गया है कि अब बीएड अभ्यर्थियों को, बीएड कैंडिडेट्स जो कि ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं जॉब में, उनको बचाया जाएगा। अब स्टेट और बोल सकते हो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके सामने आ रही है उन लोगों को सेव करने के लिए। इसका एक सीधा साधा असर जो है इस केस पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये 22 मई 2019 को जो है इस केस की फर्स्ट हियरिंग हुई थी। ये केस 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। 69,000 जो शिक्षक भर्ती यूपी में हुई थी, उस पर भी कहीं ना कहीं जो है खतरे का बादल मंडरा रहा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब 11 अगस्त 2023 को बाहर किया गया था बीएड को 1-5 से, और बीएड जो क्वालिफिकेशन है उसको नॉट एलिजिबल माना गया था 1-5 में, तब से जो है हर जो ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट्स थे, उन लोगों पर जो है ये खतरा मंडरा रहा था। सबसे पहले तो बिहार वाला जो हुआ, उसके बाद तो ऐसा कंफर्म हो गया कि जब 2 साल का ज्वाइन किया हुआ, 2020 में बिहार वाली चीजें हुई थी, तो 2 साल से नौकरी किए हुए लोगों को जब हटाया जा सकता है, तो यूपी में जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उनको भी हटाया जाएगा। ऐसा बहुत सारी चीजों में जो है कंडीशन में चल रहा था। लेकिन जो ये लास्ट सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, उससे मामला सब कुछ जो है पलटते हुए नजर आ रहा है। अब जहां जहां पर ऑलरेडी बीएड कैंडिडेट्स ज्वाइन किए हुए हैं और उनके अगेंस्ट में केसेस है, उसको डिस्पोज किया जा रहा है सिर्फ उसी हियरिंग के बेस पे। आप सोचो, अभी फैसला तो आया नहीं है, उस हियरिंग के बेस पे ये सारी चीजें हो रही है। ये मामला जो है आप देख सकते हो यूपी का 69,000 का है। यहां पर आपको दिखाई देगा डिसमिस्ड एज अ विथड्रॉन। इस केस का जो है 20 मार्च को, यानी कि कल 20 मार्च को जो है इसकी सुनवाई हुई और उसमें इसको जो है डिसमिस कर दिया गया है। रीजन यही बताया गया कि अब जो अपॉइंटेड बीएड कैंडिडेट है, उन लोगों को या तो ब्रिज कोर्स के जरिए या फिर उनको जो है डीएलएड के इक्विवेलेंट बनाया जाएगा और उनको जॉब में रखा जाएगा। अब इसकी वजह से 69,000 में बीएड कैंडिडेट सेव है, ये पूरी तरीके से सेफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नजर आ रहा है। और अब इस तरह से जो केसेस विड्रॉन या फिर डिसमिस किया जा रहा है, ये साफ एग्जाम्पल है कि बीएड अभ्यर्थियों को जो ज्वाइन किए हुए हैं 11 अगस्त 2023 के पहले, उनको अब कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है। अभी देखो, जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें इन्हीं दो पॉइंट पर जो है चर्चा भी हुई है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है अभी कितनी है, इस बात पर एक चर्चा होगी और इसके लिए जो है पूरा ब्यौरा, जो बोल सकते हो पूरा डिटेल मांगा गया है कि अभी तक जो है 1-5 में कितनी वैकेंसीज है और डीएलएड कैंडिडेट कितने हैं, क्या वो उसको मैच करने के लिए सफिशियंट है या नहीं, सभी स्टेट से ये डिटेल मांगा गया। तो अब यहाँ पर जो है मामला और उल्टा हो सकता है डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक इसमें सुनवाई ना हो। जो दूसरा पॉइंट था, जो कि ऑलरेडी ज्वाइंड है बीएड कैंडिडेट 1-5 में, उन लोगों को सेव करने के लिए ब्रिज कोर्स के बारे में बात हुई कि क्या ऐसा है कि हम ब्रिज कोर्स करवा करके उनको डीएलएड के इक्विवेलेंट बना दे, और इस पर भी बात होगी। और मुझे क्या आप सभी को, हम सभी को ऐसा लग रहा है
कि जो भी स्टेट्स होंगे वो डेफिनेटली बीएड को सेव करने के लिए आगे आएंगे। क्योंकि देखो मेन बात है ना, स्टेट इसलिए सेव नहीं कर रहा है कि बीएड अभ्यर्थी है, बीएड कैंडिडेट के साथ उनका कुछ अलग से एक कनेक्शन है, इसलिए कर रहा है कि अगर हम पुराने वैकेंसीज को टच करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी, उनको सभी चीजें प्रोसेस में फिर से लाना पड़ेगा और फिर से वो सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो उसमें तो वो जाना नहीं चाहेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि बोलते हैं ना कि गरम मुर्दा जो निकालने वाली बात हो जाती है। इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि जो जैसा है एज इट इज चलते रहे, और उसको अगर हम लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं तो हम वही वाला रास्ता अपनाएंगे। यही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक और गुड न्यूज यहाँ पर यूपी के बीएड अभ्यर्थियों के लिए मिल रही है, और भी स्टेट से इस तरह की खबरें आपको सुनने में अब आ सकती है। और 1 अप्रैल को सुनवाई में क्या होगा उस पर हम बिल्कुल जो है अपडेट आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे, तो चैनल के साथ जरूर बनी रहिएगा। टिल देन टेक केयर।